तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका पावर वाला बटन है, ये पुश करते हैं, ये टर्निंग ऑन हुआ है, ठीक है, लाइट्स भी ऑन ही हो गई हैं इसकी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो है ना इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, और ये इसकी कैप्सला की लाइट जो है ना ये ब्लिंक कर रही है, 1 2 3। इसी तरह इसके न्यूमेरिक पैड की भी लाइट ब्लिंक कर रही है, 1 2 3, ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, 1 2 3। ये न्यूमेरिक पैड की और कैप्स लॉक की लाइट जो ना 3 दफ़ा ब्लिंक होती है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा। उसके बाद ये फ़ैन की जो स्पीड है ये बूस्ट हो जाती है, अप हो जाती है, तो डिस्प्ले इसका शो नहीं हो रहा। चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, प्रो बुक है 6560B, ठीक है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका पावर वाला बटन है, ये पुश करते हैं, ये टर्निंग ऑन हुआ है, ठीक है, लाइट्स भी ऑन ही हो गई हैं इसकी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो है ना इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, और ये इसकी कैप्सला की लाइट जो है ना ये ब्लिंक कर रही है, 1 2 3। इसी तरह इसके न्यूमेरिक पैड की भी लाइट ब्लिंक कर रही है, 1 2 3, ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, 1 2 3। ये न्यूमेरिक पैड की और कैप्स लॉक की लाइट जो ना 3 दफ़ा ब्लिंक होती है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा। उसके बाद ये फ़ैन की जो स्पीड है ये बूस्ट हो जाती है, अप हो जाती है, तो डिस्प्ले इसका शो नहीं हो रहा। चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह, इसके लिए इसको ओपन करते हैं पहले। बिस्मिल्लाह, ये बैटरी इसकी निकाल लेंगे, दूसरे नंबर के ऊपर ये इसका कवर है, ये ओपन कर लेंगे, ये बैक कवर इसका ओपन कर लिया, डी कवर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी रैम चेक कर लेंगे, ये चेक करें रैम इसकी, वैसे भी प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो पुश नहीं हुई, यानी कि फिट नहीं हुई, तो उसकी रैम पहले बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, तो ये रैम की जो है ना हम सफाई वगैरह करके तो स्लॉट की भी सफाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये रैम की भी आपने सफाई कर लेनी है, कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ आपने देख लेनी है, कंफर्म कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये रैम जो है ना हम इसके अंदर लगा लेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाह, ये रैम लगा दीजिए, ठीक है, ये लॉक्स अभी जो है ना प्रॉपर तरीके से हो गए, चेक कर रहे हैं मुकम्मल जो है ना फिट हो गई है, तो अब इसको ज़रा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, वो डॉक्टर लगाते हैं अब। ये डॉक्टर प्लग इन किया इसको, ये टर्निंग ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया, ये चेक कर रहे हैं इसका डिस्प्ले भी शो हो गया है, तो ये रैम का ही इशू था, रैम की ही प्रॉब्लम आ रही थी इसकी, इसकी विंडो वगैरह भी रन हो गई है। रैम जो है ना वो उसकी स्लॉट से बाहर आ गई थी, शायद गिरा है या कोई प्रॉब्लम हुई है इसको, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। ये कैप्स लॉक की लाइट 3 दफ़ा ब्लिंक करे तो रैम का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। तो अभी ये कम्प्लीट विंडो इसकी रन हो रही है, ये बिल्कुल ओके हो गया है, प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।